वो साइकिल मुझे अब भी बहुत पछतावा हो रहा है, मेरा 7,500 पानी में जा चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बेहतरीन साइकिल का रिव्यू करने वाला हूं मैं आपको। बता दूं कि ये बिना गियर वाली साइकिल है। और बिना गियर वाली साइकिल क्यों लेना चाहिए, अगर आपका 10,000 से कम का बजट है बिना गियर वाली ही साइकिल लें। उसका कारण बताता हूं, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, गियर वाली साइकिल मैंने 7,500 रुपये में ली थी मात्र, तो उसके गियर ना इतने बकवास गियर है, और गियर के चक्कर में डिस्क ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं मिला मुझे, और ना ही सस्पेंशन मिला मुझे। जो इसमें सस्पेंशन है यहाँ दिख रहा है आपको। सस्ते साइकिल लेने के लिए, गियर वाली साइकिल लेने के चक्कर में बहुत सारी चीजें छूट जाती है आपकी, तो वो नहीं देखना है आपको। और आपको विदाउट गियर वाली साइकिल लेना है तो आपके सामने पेश है। A1 की मेन साइकिल है, जिसके अंदर एक 750 ml की बोतल भी साथ में आती है, और इसके 3 इंची टायर है, 26 इंची इसकी साइज है। तो गाइस, जो 7,500 में जो मैंने एड्रेनेक्स की साइकिल ली थी, उसमें क्या हुआ कि वो हाइट में भी मेरे से बहुत कंफर्टेबल नहीं है, छोटी है, उसको 13 साल से 12 साल से कम वाले बच्चे चलाते हैं। और ये वाली साइकिल ना गर्ल्स भी चला सकती है और बॉयज भी चला सकते हैं, तो दोनों के लिए ये यूनिसेक्स साइकिल है ये। और आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही मजबूत साइकिल है, और जब मैं चलाता हूं इसको तो मुझे लगता है कि मैं पछताता हूं कि मैंने वो साइकिल क्यों ली एड्रेनेक्स की 7,500 में, जबकि ये साइकिल मुझे मात्र 8,500 रुपये में मिल सकती थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने यहीं ऑफलाइन ली 8,500 में। आप भी आपके यहाँ पर मिल सकती है साइकिल। और इसकी फ्रेम अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फ्रेम दिखा देता हूँ, इतनी गजब फ्रेम है, चौकोर है, और इतनी शानदार डिज़ाइन दे रखी है, और कार्बन स्टील है इसका। और इसके ब्रेक में आपको बताता हूँ, चला के देखो, इसके ब्रेक, डिस्क ब्रेक दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ये साइड में और इधर भी। और मात्र गियर वाली साइकिल लेने के चक्कर में अगर 10,000 के अंदर का बजट है तो गियर वाली साइकिल बिल्कुल भी मत लेना, वरना पछताना ही पड़ेगा आपको। और इसकी सीट जो है वो एडजस्टेबल दे रखी है, यहाँ पर हैंडल भी आप इसकी साइज आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे 5 फुट से लेके 5 फुट 7 इंच तक के कोई भी राइडर इसको अच्छे से चला सकते हैं। ये आप अगर 10,000 से कम का बजट है और अगर आप गियर वाली साइकिल लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल 110% आप पछताने वाले हैं, कि जो गियर होते हैं उसके लिए शिफ्टर वगैरह सभी होते हैं, आपको पूरा सिस्टम होता है गियर साइकिल वाली साइकिल में। तो मैं बता दूं, उसके में जब शिफ्टर लगे हुए होते हैं, आप शिफ्ट करते हैं, तो उसके वायर वगैरह बहुत कमजोर होते हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है 10,000 से कम वाली गियर वाली साइकिल में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गियर वाली साइकिल मत लेना, पर अगर आपका बजट 15,000 के ऊपर है तो ही आप 14-15 हज़ार वाली गियर वाली साइकिल तभी लेना, और शिमानो के गियर बेस्ट होते हैं तब वो आप साइकिल ले सकते हैं। 10,000 से अगर कम का बजट है तो आप विदाउट गियर वाली साइकिल लें, ताकि आपका झंझट नहीं रहे। और अगर आप किसी बच्चे को दिलाना चाहते हैं जो 12-15 साल के अंदर का है, अगर उसको आप दिला रहे हैं साइकिल, तो कमज़ोर गियर और कमज़ोर शिफ्टर, उसका जो गियर सिस्टम है उसका कमज़ोर होता है 10,000 से कम वाली बजट का, तो वो बिल्कुल साइकिल लेना नहीं है आपको। अगर आप ये साइकिल लेते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये साइकिल बेस्ट साइकिल है 8,500 रुपये में। मैंने इसकी अमेजोन पे जब मैंने इसको देखा तो तब भी ये नहीं मिली मुझे, एक वेबसाइट के ऊपर मिली है ये साइकिल, वहाँ ढूंढा तो मैं अमेजोन की से सिमिलर साइकिल A1 की ही साइकिल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, वो 9,000 के समथिंग पड़ेगी आपको। तो गाइज, मैंने आपको बताया है कि 3 इंची टायर है, स्मूथ टायर है, मतलब चलाने में साइकिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरी साइकिल है, मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो जो वो वीडियो आप देख लेना, वो साइकिल मुझे अब भी बहुत पछतावा हो रहा है, मेरा 7,500 पानी में जा चुके हैं। साइकिल जब मैं चला रहा हूँ तो क्या नज़ाकत से चलती है, और इसकी जो फ्रेम है गजब क्वालिटी है, और मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है, उसके हिसाब से साइकिल मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। और इस साइकिल को चलाने के लिए 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले कोई भी इसको साइकिल को आसानी से चला सकते हैं, और काफ़ी मजबूत साइकिल है। अगर आपको बजट 8,000 के आसपास है और आपको मजबूत साइकिल चाहिए तो गियर वाली मत लेना, ये साइकिल ले लेना। A1 की मेन साइकिल है, इसकी हैंडल भी एडजस्टेबल है और सीट भी एडजस्टेबल है हाइट के हिसाब से,
और जब मैं इसको चला रहा हूँ ना तो मुझे बार बार यही सोचने में आ रहा है कि मैंने एड्रेनेक्स की वो साइकिल क्यों ली 7,500 में, बहुत दुख हो रहा है। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई कमी रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुधारेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।